बराबर। आगे बताइए कौन सा डाउट है। 15 में डाउट है ना, 15 है कि ए वेक्टर ए हैज ए 2 सेंटीमीटर लेंथ 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस, यही वाला हाँ सर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी वेक्टर हैज 2 सेंटीमीटर 60 डिग्री, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। भाई एक वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, जिसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है। एक वेक्टर जो है वो 60 डिग्री नीचे है, उसकी लेंथ कितनी है 2 है ना। तो आपने इनके बीच का एंगल कितना हो गया 120 हो गया, राइट हो गया ना। तो नीचे वाले वेक्टर को उठा के आपको आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो नीचे वाले वेक्टर को उठा के यहाँ रख दीजिए, सही बात है गलत बात। तो ये एंगल था 120, ये एंगल कितना हो गया 60 हो गया। अरे हाँ है ना, तो एक ये लाइन हो गई 2 की, एक ये लाइन हो गई 2 की, ये एंगल 60 है, तो ये लाइन भी कितने की होगी 2 की होगी, क्योंकि ये एंगल भी सेंटीमीटर 60 अपन ने लिया इक्विलेटरल है। हाँ इक्विलेटरल। तो ए प्लस बी की वैल्यू भी 2 होगी, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, सर, समझे। यस सर, नाइनटीन बस गया। क्या दे रखा है आपको, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन नल वेक्टर, तो मोड ऑफ ए प्लस बी, मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 AB कॉस थीटा, हाँ है ना। और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट आएगा, वो मैं लगा नहीं रहा हूँ अभी एक बार के। तो जैसे ये ए वेक्टर है भाई और ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल थीटा मानना है मैंने, तो 2B वेक्टर कैसे होगा, इसका डबल होगा बस, सही बात है गलत बात। -2 भी ना नीचे होगा ना। अरे -2B नहीं, मैंने 2B पूछा है ना अभी एक बार आपसे, तो ए और 2B के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब ए में से 2B को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते होते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2B का स्क्वायर माइनस टू माइनस ए इंटू 2B इंटू कोस थीटा। और यहाँ पे थीटा एंगल क्या होता है, ए और 2B के बीच का एंगल होता है, क्योंकि माइनस आगे ले लिया अपने, है ना, सब्ट्रैक्शन के लिए। अरे हाँ है ना, इसका भी रूट आएगा, इसका भी रूट आएगा, दोनों साइड स्क्वायर करके रूट हटा दिया, समझ में आ रही है बात। हाँ सर, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा 20 स्क्वेयर, ये कितना आएगा 4B स्क्वेयर, 2AB cos थीटा 4AB cos थीटा, ये फोर बचा बी यहाँ पे स्क्वायर 6 ए बी 6AB cos थीटा इज इक्वल टू 3B स्क्वेयर, राइट। तो कैंसिल, 3 से 1B कैंसिल हो गया, A/B किसके बराबर आ गया 1/2 cos थीटा, राइट, 1/2 cos थीटा 1/2 cos थीटा। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, तो ये A/B आ गया। अब अपने को बोला कि A/B की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ऐसे बोला ना, A/B में बी ये लिखा है ना क्वेश्चन में, यस सर, कौन मे सी बी वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए, ओके मैक्स नीचे कॉस थीटा आया है, हमें थीटा गिवन नहीं है, हमने ये माना था, तो थीटा कुछ भी हो सकता है, सही बात है गलत बात, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो माइनस माइनस वन होती है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। लेकिन ये ए का मैग्नीट्यूड है, हमने तो ये ए और बी क्या लिए, ए और बी के मैग्नीट्यूड लिए, तो इनका रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, सही बात है गलत बात। इसलिए अपन मिनिमम वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, जीरो सही बात है गलत बात, भी जो नेगेटिव नहीं है ये कह सकते हैं, पॉजिटिव नहीं, जो नेगेटिव नहीं है वो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0। तो ए प्लस बी की जब कॉस थीटा मिनिमम होगा तो A/B क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अरे हाँ है ना, क्योंकि कॉस थीटा इसके सर, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो A/B की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, अरे हाँ है ना, समझ में आ रही है बात, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब आगे बात कर रहा हाँ है अपने सर, से कि A/B की मिनिमम वैल्यू कब होगी, थीटा मैक्स होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो, और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है,
ए अपॉन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कोस थीटा मैक्सिमम और वो वन हो तो वन बाई टू हो सकती है, राइट? तो ए अपॉन बी की वैल्यू मिनिमम वन बाई टू हो सकती है, मतलब वन बाई टू से छोटा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए अपॉन बी की वैल्यू में बी वन बाई फोर, क्या वन बाई फोर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही वन बाई टू हो सकती है, राइट? सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि वन बाई एट, क्या वन बाई एट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू वन बाई टू। फिर कह रहा है वन, हाँ वन पॉसिबल है, वन बाई टू से बड़ा है। फिर कह रहा है टू, हाँ टू भी पॉसिबल है। तो आंसर इज सी एंड डी, ठीक है बेटा। सर पीछे तो सिर्फ डी दिया, ये वाला गलत है, ये सही है, ठीक है ना? सी और डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, और इसके दो आंसर हो सकते हैं। इसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्योंकि प्रीवियस शीट में, या मेरे पास प्रीवियस शीट है और उसमें आंसर सी और डी दे रखा है, ठीक है? ये अब की बार उन्होंने मॉडिफिकेशन किया ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है भाई? तो एक्सरसाइज टू का पार्ट थ्री किया सभी ने? यस सर। एक्सरसाइज थ्री का पार्ट वन नहीं किया क्या? एक्सरसाइज थ्री नहीं किया क्या आपने? कितने बच्चों ने नहीं किया, एक बार हैंड रेज कर दो ताकि आइडिया लग जाए डिस्कस करें या ना करें। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज थ्री नहीं किया एक बार हैंड रेज कर दो। दो ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया, बाकी सबने किया। भाई जल्दी जल्दी करो, टाइम मत लगाइए, करना है या नहीं करना है डिस्कस, जल्दी से डिसीजन लेते हैं। अगर बहुत कम बच्चों ने नहीं किया, बाकी सबने किया, तो डिस्कस कर लेते हैं। और अगर काफी सारे बच्चों ने नहीं किया तो नहीं डिस्कस करेंगे, बस इतनी बात। बाकी सबने किया, हाथ नीचे कर लो भाई। yes, पांच बच्चों ने नहीं किया, बाकी सबने किया है। जिन बच्चों ने किया एक बार वो हाथ उठाना, जिन बच्चों ने कर लिया कंप्लीट एक्सरसाइज थ्री। सर पार्ट टू तक ही करना था ना? हाँ एक्सरसाइज थ्री का पार्ट वन एंड पार्ट टू दो ही दिए थे, पार्ट वन एंड पार्ट टू कर लिए हैं जिन बच्चों ने। चार बच्चों ने किए हैं, पांच बच्चों ने नहीं किए हैं, तो बाकी क्या कर रहे हैं भाई? ना तो कोई हाथ उठा रहा है किसी चीज में, टोटल यहाँ पे 36 बच्चे हैं, नौ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ना ना करने में हाथ उठा रहे हैं, ना करने में हाथ उठा रहे हैं, अजीब प्राणी हो यार तुम लोग। चलिए आगे चलते हैं। बस आराम से वीडियो ऑडियो सब बंद करके बैठे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है आप क्या बोल रहे हो क्या ले रहे हो। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था? ग्राफ पढ़ाया था। हमने वो बता दिया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दे रखा है तो उसका वेलोसिटी कैसे बनाते हैं, है ना? सिमिलरली अपने को भी पता है टाइम ग्राफ होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी बाय डीटी होता है, राइट? अपन ये कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन इज स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। तो आपको मैं ग्राफ देता हूँ तो उसका बनाना फिर आप। सर ये कौन सा ग्राफ है? दे रहे हैं भाई दे रहे हैं, थोड़ा धीरे जरा से।
दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। तो ये है 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है बेटा। ड्रॉ इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो फिर क्या करना है अभी? ड्रॉ इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ड्रॉ इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ भाई मैं कर दूंगा, आज वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आज आज के और कल के दोनों के करते हैं। उससे पहले वाले तो हो रखे हैं ना सारे। सर 50 सेकंड में पॉइंट क्या है पाई एक्सिस पे? कौन सा? ये 40 है, 50 सेकंड। अच्छा 50 पे देना रहेगा ना, ये -20 है। तो आपको क्या करना है फाइनली, स्लोप ही निकालना है ना? क्या निकालना है आपको? स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप कितना है बताइए? जीरो से टेन तक। सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। और फिर 10 से 20 तक? 0। सर 0 है, मतलब कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ तो यहाँ तक 2 है एक्सेलेरेशन, जो स्लोप होगा वही एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलेरेशन। सही बात है। तो 0 से 10 तक स्लोप 2 है, उसके बाद 0 है, एक्सेलेरेशन 0 हो गया। 20 से 30 तक स्लोप कितना है? परपेंडिकुलर अपोन बेस 2 है, तो वापस एक्सेलेरेशन 2 है। 30 से 40 तक कितना है? 4 है। 4 प्लस का या माइनस का? माइनस 4। तो यहाँ पे माइनस 4 हो गया एक्सेलेरेशन, है ना, कांस्टेंट हो गया। आप बताइए आगे 40 से 50 तक? माइनस टू। और 50 से 60 तक बताइए? टू। 50 से 60 तक कितना है? 2 है या -2 है? देखिए बेटा देखिए v की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, समझ में आ रही है बात? कल बताया था कि स्लोप ऐसी वाली लाइन का पॉजिटिव होता है, है ना, और ऐसी वाली लाइन इसका स्लोप पॉजिटिव है, राइट, समझ में आ रही है बात?
मतलब यही लाइन आगे एक्सटेंड होकर ऐसे होती है ना, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, लाइन तो वही है सेम। तो इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो टेन थीटा, लेकिन स्लोप इधर से जैसे पॉजिटिव आता है तो ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है ना। मतलब एंगल तो यही है ना थीटा सेम, हॉरिजॉन्टल के साथ तो पॉजिटिव यही एंगल बना रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। आगे चलते हैं, आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, सॉरी अगर आपको वेलोसिटी टाइम निकालना है, हमें ये पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से को अपन लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds / dt, राइट, लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ds क्या हो गया, vdt, vd / vd। तो s जो डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम सम टाइम टू अगले टाइम तक, तो वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वीडी, राइट, आया ना। दिस इज एरिया अंडर कर्व, क्या है ये, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, ये जिस टाइम से जिस टाइम तक का है उस टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट है, टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल तक का, अरे आया ना वहां तक का डिस्प्लेसमेंट। तो मैं जैसे आपको दे रहा हूँ कि देयर इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सर आपने इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने को, ये ds क्या है, dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट है, अपने को पूरे t इनिशियल से t फाइनल तक निकालना है, तो सारे सारे छोटे छोटे ds का जोड़ करूंगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ds का इंटीग्रेशन तो हो गया s। सर एक एग्जांपल देके समझा सकते हो ये, अब इसमें एग्जांपल क्या दूं यार, पूरा रेक्टिलिनियर इस पे करवाया है मैंने, देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी u है और टाइम t पे वेलोसिटी v है, समझ में आ रही है बात, कुछ एक्सेलेरेशन होगा इसके पास जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, v होगी, अरे हाँ यार ना, तो यहाँ पे dt टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ds होगा, ये ds किसके बराबर होगा, यहाँ की वेलोसिटी इनटू dt, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जोड़ना है तो ऐसे vdt ऐसे जो छोटे छोटे ds है सबका जोड़ करूंगा ना, तब यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो फिर उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करूंगा s = इंटीग्रेशन ऑफ vdt, इसमें क्या समझाना है यार, मतलब बेसिक फंडामेंटल है ना ये, तो ये चीजें तो ये तो अपने समझाई है शुरू में, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ds को अपन लिख सकते हैं vdt, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, नहीं समझे क्या, फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल जहां तक की बात करते, तो एरिया अंडर द vt का, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, और यहां पे वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे अपने को करना है विड्रॉ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम का, पहले ये नोट कर लेना, ठीक है भाई, विड्रॉ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम का,
हाँ सर हो गया। बताइए कैसे ड्रॉ करेंगे। सर एरिया निकालते अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 0 से 10 के बीच का एरिया निकालें, 0 से 10 के बीच का, राइट। ये कितना आएगा सर बेटा? आप कुछ बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही क्या तुम सर? तो लोगों को? 9 सर अभी आ रही, पहले नहीं आ रही। बीच में आवाज चली गई थी सर। अभी आ रही है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। 0 से 10 तक का अपने को एरिया निकालेंगे, फिर 20 तक का, फिर 30 तक का। 20 आ रहा है, 20 मीटर। 0 से 10 तक एरिया कितना होगा बताइए? 20 मीटर। हाफ 10 × 4, राइट, 20 होगा। मतलब t इक्वल टू 10 पे, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है ना वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पे हमेशा 0 होता है। एट t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से मेजर करते हैं, सही बात है? तो जहां से मेजर कर रहे हैं वहीं पे डिस्प्लेसमेंट देखना है, वो तो 0 ही होगा ना, सुन रहे हो बेटा? तो ये ग्राफ हमेशा 0,0 से चालू होगा, राइट, सुन रहे हो क्या? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो t इक्वल टू 10 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20। तो बात ये कि 0 से लेकर 10 तक का डिस्प्लेसमेंट 20 है, 0 से 10 तक का डिस्प्लेसमेंट 20 हो, सही बात है मतलब? यस सर। तो ये आप सबसे पहले पॉइंट नोट कर लो कि यहाँ पे 10 सेकंड पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 20 हो गया। अब अगला एरिया कितना है सर? 40 आ रहा है। ये 40 आया, तो ये कितना है? 10 से लेकर 20 तक का डिस्प्लेसमेंट है ये 40, नहीं समझे क्या? 10 से कितना है? 20 तक का डिस्प्लेसमेंट 40 है, तो 10 से 20 तक ये 40 आगे चला है, मतलब 20 तो पहले चल लिया था 0 से, अब आगे 40 चला है, तो 20 पे जाके नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 60। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ है ना? यस। सुन रहे हो बेटा? अब आगे देखिए सर, वो 60 वाला नहीं समझ। देखिए इसमें ऐसा कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 0 से लेकर 10 तक का डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 10 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट 20 है, राइट, आगे चला 20, 10 से लेकर 20 तक का डिस्प्लेसमेंट 40 है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो एरिया आ रहा है ना, t इनिशियल से t फाइनल, कहां तक का एरिया ले रहे हैं? 10 से लेकर 20 तक का एरिया ले रहे हैं, सही बात है बात? ये उतनी दूर का डिस्प्लेसमेंट है। अरे हाँ है ना? लेकिन अपन डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं? इनिशियल पोजिशन से। तो इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना बेटा? हाँ सर, वो 20 ऐड हो जाएगा। अब वो 40 ऐड हो जाएगा 20 में, ये यहाँ से यहाँ तक का है, 10 से लेकर 20 तक का, तो मतलब इस 20 में 40 ऐड हो गया, राइट? यस सर। ठीक है ना, तो ये अपन ये है। अगला एरिया कितना है बेटा? सर वापस 20 है, मतलब वो 80 तक जाएगा। हाँ ये 20 हो गया, तो 20 से 30 तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 है, तो इसमें ऐड और हो जाएगा आगे हमारे पास, तो ये 80 हो जाएगा, 80 तक हो जाएगा, t इक्वल टू 30 से 80 तक हो जाएगा। तो ये हमें पता लग गया कि अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट्स पता लग गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा आएगा? ये तो अपने को इन पॉइंट्स पे लग गया ना डिस्प्लेसमेंट का पता, कि t इक्वल टू 20 पे डिस्प्लेसमेंट 60 है, इस पॉइंट पे जाके डिस्प्लेसमेंट 60 हुआ है ना, फिर 30 पे जाके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 80 हुआ है, मतलब ये आगे वाला 20 है। तो इनके बीच में जो ग्राफ्स बनेंगे अलग अलग टाइम पे, वो ग्राफ तो अभी तक बनाया नहीं अपन, ये तो पॉइंट्स पे बताया है बस, सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो ये ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसके लिए अपने क्या है ना कि रिवर्स देखना पड़ेगा। रिवर्स कैसे? कि सर वेलोसिटी क्या होती है,
स्लोप ऑफ एस टी कर्व होती है, सही बात है? हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ वी टी कर्व, और वेलोसिटी होती है स्लोप ऑफ एस टी कर्व, सही बात है? तो हमें ग्राफ बनाने के लिए वेलोसिटी को देखना पड़ेगा। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है या कांस्टेंट है जीरो से टेन के बीच में? इंक्रीज हो रही है सर। इंक्रीज हो रही है, तो जीरो से टेन तक डिस्प्लेसमेंट का स्लोप इंक्रीज करना चाहिए, सही बात है? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप होता है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब हमारा स्लोप क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। और इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा होता है? कल बताए थे इंक्रीजिंग स्लोप के ग्राफ कैसा होता है? यूं होगा, सही बात है? गलत बात? यस। इंक्रीजिंग स्लोप, अरे हाँ या ना, पेज पलट के देखो इंक्रीजिंग स्लोप कैसे बताओ, अगर किसी को नहीं दिक्कत है तो। अब आगे देखिए, 10 से लेकर 20 तक सर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारा स्लोप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, सही बात है? बात स्लोप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो 10 से 20 तक जो है हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए बताइए भाई? कांस्टेंट स्लोप रहेगा, कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए, राइट? तो कांस्टेंट स्लोप की लाइन आएगी, तो हाँ या ना? हाँ सर, यूनिफॉर्म रहेगा। अब देखिए, अरे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? एक बच्चा रिप्लाई कर रहा है, फिर लास्ट में सब ये बोलेंगे नहीं समझा, दोबारा बता दो। अभी साथ में कोई नहीं बोलेगा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को सभी को? सर एक डाउट है। हाँ पूछ सर। वो 20 का अपना 40 आया ना, तो 20 को 40 ऐड करके 60 हुआ, तो फिर 30 का 60 होगा, तो फिर 60 ऐड भी नहीं किया, इस ये एरिया 60 होगा। ये एरिया 60 सर, उसने टाइम गलती से 30 ले लिया, वो 20 टू 30 का टाइम इंटरवल 10 सेकंड का भाई, इंटरवल लेना है ना, ये एरिया निकालने के लिए तो ये बेस लेगा ना, बेस का टाइम है, तो 20 ऐड होगा ना बेटा 60 में। यस सर। अच्छा अब ये बताइए, ये 20 से लेके 30 तक, 20 से लेके 30 तक वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है, हर जगह वैल्यू क्या है इसकी? पॉजिटिव है, सही बात है? नेगेटिव नहीं है। यस सर। तो स्लोप हमारा डिक्रीजिंग होगा परंतु पॉजिटिव होगा, सही बात है? गलत बात? यस सर। तो स्लोप डिक्रीजिंग और पॉजिटिव का ग्राफ कैसा होता है? लाइक दिस, सही बात है? गलत बात? फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो हमारा स्लोप भी जीरो हो गया, ओरिजिनल हो जाएगा ग्राफ एकदम, समझ में आ रही है बेटा बात? तो इस तरह का ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तकलीफ है भाई किसी को? नो सर, नो सर। आगे चलते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। प्लीज सारे बच्चे रिप्लाई कर दो यार। यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो खुद से करोगे? सेम ऐसा ही? यस सर।
सर कन्वर्ट किस में करना है? सर इस बार हम करते हैं, आप जरा सा रुक जाओ। क्या कह रहे हो बेटा? सर इस बार हम करते हैं, आप जरा सा रुक जाओ। आप लोग करो ना, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करिए। हाँ जी, सॉल्व करूँ बेटा मैं।
चलिए यहाँ पे देखिए, एरिया की बात करते हैं, यहाँ वाला ये एरिया कितना है बताइए, 0 से 10 तक? 200। ये एरिया कितना है पूरा? 250। इसमें आपको ना ये पूरा एरिया निकालना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ। तो इसको या तो आप ट्रेपीजियम मान लीजिए या फिर एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल मान लीजिए, दोनों का सम कर दीजिए, है ना। तो ये एरिया कितना आया टोटल? 300। और ये एरिया कितना आया? 200 आया। ये सर वो -200 है, ये माइनस का 100 होगा, नेगेटिव एरिया माना जाएगा इसको। इंटीग्रेशन करेंगे ना अगर अपन इसका VDT 30 से लेके 40 तक, तो जो भी इस लाइन की इक्वेशन होगी वो इक्वेशन रख देंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू है ना बेटा -100 आए, समझ में आ रही है बात? यस। तो ये नीचे वाले एरियाज नेगेटिव में आएंगे, ठीक है ना, ये भी -100 होगा, राइट, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ऊपर के एरिया जो है वो पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एरिया पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसका एरिया नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, राइट। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले मैं ये बना देता हूँ कि पहला एरिया 200 है, तो यहाँ पे 200 आ गया। फिर एरिया 300 है, तो आगे वाला पॉइंट कहाँ रखूं बताइए, कितने पे रखूं? सर 200 पे रखूं, 200 और 200 कंटेनर, 200 के आगे ये वाला पॉइंट को क्या वैल्यू दूं बताइए सर? 400 दूं। एरिया 300 जुड़ रहा है ना 200 में, सर टोटल है सर 500। फिर अगला एरिया की वैल्यू क्या दूं बताइए? 700। उसके अगला 800। एक मिनट रुको, होल्ड रखो इसको, थोड़ा सा इसको दूर दूर बना देता हूँ वरना ग्राफ बनाने में अपने को दिक्कत आएगी। ये 500, ये 700, राइट, ठीक है बेटा। तो अब देखिए अगला एरिया है -100, तो -100 मतलब इससे नीचे आ गया 600, सही बात है, गलत बात? 700 में से -100 गया, अरे हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अब अपन ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ। अब 600 आया यहाँ पे, और 600 में से फिर से 100 चला गया तो वो आएगा 500, राइट। अब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ होता है मतलब वेलोसिटी जो होता है उल्टा देखना पड़ता है ना, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट का स्लोप। तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, कब? 0 से 10 के। तो हमारे पास स्लोप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनेगा? क्या तकलीफ है बेटा? सुन रहे हो भाई सभी बच्चे? Yes। आगे फिर हमारे पास है ये वाला पॉइंट का इंक्रीजिंग, आगे देखिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए। Yes सर। तो ये ग्राफ बनेगा लगभग कैसे? अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes सर। एरिया बनाने में मुश्किल हो रही है, एकदम वर्टिकली इनफाइनाइट नहीं होगी वेलोसिटी वहां पे। ठीक है ना, कुछ एंगल पे बना रहा हूं, ये क्राउड हो गया। नेक्स्ट लेते हैं कि स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो स्लोप डिक्रीजिंग होगा, राइट, कब तक? 700 तक।
और फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो स्लोप यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहाँ। ठीक है बेटा, लाइक दिस। अरे हाँ है ना? यस सर। तो ये 600 यहाँ तक। अगला जो है उसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। अगले में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग है एक्चुअली, और नेगेटिव है, तो नेगेटिव में डिक्रीजिंग स्लोप, मतलब वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, 0, -5, -10 है ना, तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है लेकिन ओवरऑल वैसे वो डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मतलब हाँ। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, नेगेटिव में डिक्रीजिंग स्लोप, समझ में आ रही है बात? 0 से -1, -2, -3 ऐसे करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है परंतु इंक्रीजिंग है, लास्ट में जाके जीरो हो रही है, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए, आया ना? Yes. वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप तो नेगेटिव ही रहेगा परंतु इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसा होता है, राइट? ऐसा कर्व होता है, अरे आया ना? ऐसा कर्व। Yes, sir. ऐसे कर्व्ड है, तुम समझ गए ना? लाइक दिस, ठीक है? ये थोड़ा सा शेप ऐसा बन रहा है, आप लोग समझ जाना, ठीक है? कर लोगे? तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना हमारे पास। अच्छा, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा लॉजिकली समझिए, आप ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, मैं अलग अलग टाइम पे इसकी पोजीशन बता रहा हूँ, 10, 20, 30, ठीक है, 10, 20, 30, 40 आगे आएगा, चलो उसके बाद बात में करती हूँ। तो 0 से 10 तक कितना चला? 200 चला, आया ना? 0 से 10 तक कितना चला? 200, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 0 से 10 10 तक 200 चला, तो आगे की ओर चला ये 200, अरे हाँ या ना? 10 से 20 तक कितना चला? 10 से 20 तक 300 चला, और ओवरऑल ये 500 चला, समझ में आ रही है बेटा बात? क्योंकि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ही थी। फिर 20 से 30 तक कितना चला? 20 से लेके 30 तक ये 200 चला, अरे हाँ या ना? ये कहानी आ गई। तो यहाँ तक पूरे तक इसकी वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव थी, आप देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ना, पहले भी पॉजिटिव फिर भी पॉजिटिव, और 30 तक भी पॉजिटिव है, डिक्रीज कर रही है परंतु है पॉजिटिव, सही बात है, हर जगह इसकी वैल्यू, अरे हाँ या ना? मतलब पहले वेलोसिटी जो वो कॉन्स्टेंट रही कितनी दूरी तक, यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रही, उसके बाद में वेलोसिटी इंक्रीज करी, एक्सेलरेटेड था, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करी, और फाइनली यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, समझ में आ रही है? 30 पे आके वेलोसिटी आ गई जीरो, अब वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल क्या हो गया? रिटर्न कर गया, आया ना? यहाँ से पार्टिकल रिटर्न कर गया, अरे हाँ या ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। और 40 तक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती रही, 0 से 10, मतलब ऐसे करते करते 20 तक, तो 40 यहाँ पे आया, T=40 जो है वो यहाँ पे आया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती रही, तो ये पीछे की तरफ कितना चला? 100 चला, 100 चला पीछे की ओर, सही बात है बात? अरे हाँ या ना बेटा? आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? बस छोटा हो गया, ठीक है। और फिर 40 से लेके 50 तक भी ये अपोजिट डायरेक्शन में ही चला, अब इसकी वेलोसिटी पहले तो बढ़ रही थी नेगेटिव में, नेगेटिव में बढ़ रही थी, मतलब उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रही थी, अभी उसी डायरेक्शन में चल रहा है परंतु वेलोसिटी कम होनी चालू होगी, 20 से 10, 10 से 5, 5 से ऐसे करते करते 0 पे, सही बात है गलत बात? तो T=50 पे वो वहीं पहुंचा जहां पे T=20 पे था, तो 100 और चला गया, समझ में आ रही है बात? अरे सुन रहे हो बेटा, इसलिए इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक हुआ, जो कि 500 है। आपको समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अच्छा, अगर इसी में, अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तुम एक बात बताओ, जब सर, तक तो पार्टिकल फिर वो जो स्पिन, कर्व है ना वो इंक्रीज ही होता जाता है, वो जो हाँ नीचे ये जा रहा है डिक्रीज वो नहीं ऊपर की होता, तरफ जा रहा ये चीजें ऐड होती है, ये 100 जो है वो इसमें ऐड होता है, ये 100 भी इसमें ऐड होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो लेंथ की, पाथ की लेंथ है। तो पहले तो बढ़ता गया यहाँ 700 तक आ गया। अब इसके बाद अपने 100 डिक्रीज कर दिया ना ये, जबकि यहाँ पे क्या होता, इंक्रीज होता है। सही बात है गलत बात, ये ग्राफ ऐसा होता। अरे हाँ, या ना मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, सेम ऐसा ही ग्राफ होता है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बस अपोजिट डायरेक्शन में थी इसलिए नीचे की ओर था, तो उसी को अपन अब पॉजिटिव की ओर मानेंगे। सही बात है गलत बात, उसी को एडिशन में मानेंगे। और ये इस ग्राफ का भी ऐसे इमेज आ जाता, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ होता, बस ऊपर की तरफ होता, और ये 100 ऐड होता, तो 700 में ऐड होके ये 800 हो जाता, और फिर उसमें 100 ऐड होके ये 900 हो जाता। समझ में आ रही है बेटा बात? तो ये ग्राफ है जो आपका, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। सर मतलब डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही जाएगा ना, वो कभी हाँ, पीरियड मतलब कभी डिस्टेंस कभी कम रहेगा थोड़ी होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, बताया था। तो कभी हमेशा जब सर तक नहीं। पार्टिकल चलेगा तब तक डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, तभी ग्राफ नीचे नहीं आएगा डिस्टेंस का, हमेशा ऊपर ही जाएगा, राइट? और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो इस पॉइंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थे भाई, 30 तक, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रहा था, राइट? इसके आगे ही चेंज हुआ है, राइट? समझ में आया बेटा सभी को? यस सर, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आयो? हेलो सर। सर मुझे वो नहीं समझा कि वो वैल्यूज प्लॉट की है, मतलब मार्क की है सर, कौन सी वैल्यू बेटा? वो 700, 600, 500। ये 200 से 500 कैसे मार्क की ये पता लग गया? हाँ 500 से सेवन हाँ हंड्रेड हाँ कैसे मार्क की पता लग गया? 700 से नहीं 600 क्यों मार्क की ये नहीं पता चला, यही बात है राइट? नहीं सर, वो पूरा नहीं समझा। 200 था पहले डिस्प्लेसमेंट, भी यहाँ तक एरिया कितना है 200, तो 0 से 10 तक 200 चले आप, 10 से 20 तक कितने चले? 300। लेकिन हम तो डिस्प्लेसमेंट 0 से देख रहे हैं ना, तो 0 से कितना आया? 200 प्लस 300 कितना आ गया? 500। समझ में आ रही है बात? हाँ तो 200 में ऐड किया हमने कितना, ये 10 से लेके 20 तक का डिस्प्लेसमेंट है बेटा 300 तो। लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 से देखना होता है, तो वो कितना होगा? 200 प्लस 300 तो 500 होगा। नहीं समझे क्या? हाँ समझा। इसी तरीके से ये 20 से 30 तक का डिस्प्लेसमेंट है, कितना? 200। इसमें 200 और ऐड करेंगे तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो 0 से लेके 30 तक तो 700 हो जाएगा ना। समझ हाँ सर में आ रही है बात? फिर आगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव समझ। है, मतलब 30 से लेके 40 तक जो है वो माइनस में चला है। 30 से लेके यहाँ पे यही तो चीजें बता रहा था, 30 से 40 तक देखिए पीछे चला है 100, लेकिन हम तो 0 से हाँ देख रहे हैं ना, 0 से देखिए कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। समझ आ रही है? पीछे चला इसलिए नेगेटिव कर हाँ दिया सर, उसमें से, कम कर दिया। समझा क्या? हाँ सर समझ। सही बच्चों समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया तो पूछ लो, सबको आ गया ना? आगे चलता हूँ। तो इसी तरीके से सेम जैसे अपन एरिया लेके, अपन वीटी कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरीके से एटी कर्व का एरिया जो है वो वेलोसिटी होता है, राइट? आया ना? तो अगर एक्सेलेरेशन टाइम कर्व दे रखा हो तो सेम इसी तरीके से वेलोसिटी निकाल लो। नहीं समझे क्या? जैसे अभी अभी अपन ने डिस्प्लेसमेंट निकाला, सुन रहे हो भाई? हाँ सर, यस सर। दिस इज वेलोसिटीज एरिया अंडर एटी का। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड चीजें हो गई, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।
अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ रहे थे, है ना, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ये पढ़ रहे थे ना। अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन विद वेरिंग एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन ही वेरिएबल हो, एक्सेलेरेशन ही चेंज हो रहा हो, तब हमारे पास हम कैसे पढ़ेंगे? तो फर्स्ट केस है हमारे पास एक्सेलेरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, एक्सेलेरेशन इज वेरिंग विद टाइम या फिर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यदि हमारे पास एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन है तब अपन कैसे डील करेंगे चीजों को, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सेलेरेशन हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, राइट, तो इसी एक्सेलेरेशन को अपन क्या लिख देंगे, लिखना पड़ेगा, इसी एक्सेलेरेशन को लिख देंगे डीवी बाई डी टी, राइट, दिस इज ए, राइट, डीवी बाई डी टी ही एक्सेलेरेशन है हमारे पास। तो यहां से डीवी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ए डी टी के बराबर, सुन रहे हो बेटा, dv क्या है, dt टाइम का थोड़ा सा चेंज इन वेलोसिटी है। अरे आवाज आ रही है, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आवाज आ रही है तुम लोगों को? सर अभी आ रही है, आ रही है सर, पहले नहीं आ, अभी आ रही है ना? हां सर अब आ रही है। एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, एक्सेलेरेशन क्या है, dv / dt है, तो dv इज इक्वल टू adt, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू adt, तो हमारे पास ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन को बाहर नहीं ले सकता मैं इससे, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो खुद टाइम का फंक्शन है, तो ये फंक्शन मेरे को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, राइट, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, yes. इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो लेट अस सपोज ये इंटीग्रेशन करने के बाद में रिजल्ट आया जी ऑफ टी, समझ में आ रही है बात, जी ऑफ टी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जैसे पूछ लिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टी टाइम पर, तो हमारे पास वेलोसिटी भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे इससे अपन कैसे सोल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, कि इसको लिख देंगे ds / dt, वो किसके बराबर है, g of t के बराबर, राइट, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ g of t, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ds, अरे हाँ या ना, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लेट अस सपोज ये इंटीग्रेशन h of t है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कोई टाइम का फंक्शन आ जाएगा, समझ में आ रही है बेटा बात, अरे हाँ यार, यहाँ पे अपने अजम्पशन क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इज जी ऑफ टी, राइट, ये माना सेम ऐसा ही इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ टी डी टी जो है, राइट, तकलीफ है बेटा किसी को, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकंड, its acceleration, ठीक है ना, has the direction same as initial velocity varies with time, as
a इज इक्वल टू 2t प्लस 3 फाइंड फर्स्ट पार्ट इट्स वेलोसिटी at t equal to 3 seconds. Displacement at t equal to 3 seconds. Average velocity at t equal to 3 seconds. समझ में आ रही है बात? अरे सभी बच्चों का आवाज आ रही है ना? Yes. नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। सॉल्व करो, ये क्वेश्चन है।
चलिए सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है कि पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन है वो टाइम के साथ वेरिएबल है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? dv by dt equal to 2t plus 3 आया ना, तो यहाँ से dv किसके बराबर आ जाएगा? 2t plus 3 into dt इंटीग्रेशन। वेलोसिटी एट एनी टाइम निकालना है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। अब 2t का इंटीग्रेशन क्या हुआ? 2 into t square by q प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हुआ? 3t प्लस का कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है c, मान लेते हैं। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो, क्या कह रहे हो? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। फ्रीज हो गई? हां भी नहीं, हां सर अभी चेंज हो गया, अभी आ रहा, रुको। हां यस सर अभी आ रहा। हाँ सर, तो 2t square by 2 plus 3t plus, तो मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट c है। अब ये c कांस्टेंट वो कैसे निकालेंगे? इसके लिए अपने इसने इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि t equal to 0 पर है ना, आपके पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, ये दे रखा है ना उसने। मतलब जो आपने फंक्शन निकाला है वेलोसिटी का, उसमें अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करूं तो v की वैल्यू 2 आनी चाहिए ना, सही बात है गलत बात? क्योंकि ये गिवन है कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। अरे बोल तो दो। हाँ ना, तो सर इसमें v की वैल्यू 2 आनी चाहिए अगर t की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो। इसका मतलब जो आपने कांस्टेंट लिया है वो वैल्यू, उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं, सही बात है गलत बात? मतलब वेलोसिटी का फंक्शन क्या आ गया? t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 आ गया, राइट? अरे हाँ या ना? हाँ। तो आपको बोला है कि वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 बताओ मेरे को, तो आप t की जगह क्या पुट कर दोगे? 3 पुट कर दोगे, कितना आएगा? 9 और 18 और 2। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लें, या फिर यहाँ से अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मैंने लिमिट लगा दी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी v मान लेता हूँ, सही बात है गलत बात? तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये v के अंदर लिमिट पुट करूंगा v -2, और उधर उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये c नहीं लगाऊंगा ना, ये इंटीग्रेशन आएगा, तो ये आएगा t स्क्वायर प्लस 3t, और इसमें लिमिट पुट करूंगा 0 से लेके t तक, ये कितना आएगा बेटा? v = 2 plus, ये 2 तो इधर आ गया, और 3 का स्क्वायर प्लस 3 आया ना, ये वैल्यू आ गई। ऐसे भी कर सकता हूँ, मतलब डायरेक्ट लिमिट लगा के भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन चाहिए था, क्योंकि मेरे को आगे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है ना। अब यहाँ पे टाइम के साथ फंक्शन नहीं पता चलेगा, चलो वेलोसिटी तो t इक्वल टू 3 पे आ जाएगी लेकिन फंक्शन तो नहीं निकाल पाओगे ना, फंक्शन तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से पता चलता है, सही बात है गलत बात? यस। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये फंक्शन निकालना जरूरी था कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो ये क्या आएगा? ds इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t प्लस टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट से काम चला दूंगा बिकॉज मेरे को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन के साथ निकालने की जरूरत नहीं। तो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, चाहे नहीं दिया तब भी अपने को यही पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, राइट? t इक्वल टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट बताना है, मान लेते हैं s, तो ये कितना आएगा? t क्यूब बाय 3 प्लस 3t स्क्वायर बाय 2 3t स्क्वायर बाय प्लस 2t, वैल्यू डाल देंगे 0 से 3 तक, राइट? कितना आएगा बेटा ये? 3 क्यूब बाय 3 दैट इज 9 प्लस 27 बाय 2 27 प्लस 6 कितना आएगा ये?
कर लोगे ना सर? माइनस टू माइनस टू प्लस सी होगा ना, तो सी की वैल्यू माइनस टू निकालनी। माइनस के प्लस सी कैसे? टूटी आया इंटीग्रेट किया था। हाँ तो प्लस टू का इंटीग्रेशन तो टूटी होगा ना, फिर थ्री माइनस जीरो पुट करोगे तो सारी चीजें जीरो हो जाएगी। नहीं सर ये तो फंक्शन आ गया, उसके बाद प्लस सी आएगा ना। प्लस सी क्यों आएगा बेटा? अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं ना। ओके कितना आएगा बेटा ये? 28.5 मतलब 57/2 आ गया, राइट? यही बात है जैसा तुम बोले। तो ये आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कहां से कहां तक? 0 टू 3 तक। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब 0 से 3 तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 57/2। टाइम कितना लगा? कितना आया? 19/2 मीटर आया ना। सही बच्चों समझ में आया? तो अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल दे रखा हो ना, टाइम का फंक्शन दे रखा हो, तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया वेरिएबल एक्सेलेरेशन का। ये है ना, ये फर्स्ट पार्ट था, देखिए ये फर्स्ट पार्ट था कि एक्सेलेरेशन वेरीज विद टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास कि जब एक्सेलेरेशन वेरीज एज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख लो। एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा? तो ये नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ये छाप लो। आप ये भी सभी ने? यस सर। हाँ सर। हाय एवरीवन। सर एक डाउट था सर, इसमें जो फर्स्ट सर इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट था डीवी निकालने का वेलोसिटी वाला, तो वो एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं है? मतलब 0 टू 3 आपने डेफिनेट इन क्लास में बताता हूं। ओके सर। ओके सर। हाय एवरीवन। सर आपकी आवाज नहीं। हाँ सर हो गया लिख के। हाँ भाई ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? अभी दूसरा लेक्चर है ना, इसलिए बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ लीजिए। ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय।